हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज का जो क्विज हमारा है वो लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज पे है। क्यों है? क्योंकि लास्ट मंथ में तंजानिया के नॉवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरना एक नोबल प्राइज़ जीते हैं लिटरेचर में। दैट्स वाई इस पर ये क्विज दिया गया है। तो आइए देखते हैं आप कितने लिटरेचर के लॉरेट्स को जानते हैं। लॉरेट्स मीन्स होता है ख्याति। तो जो लोगों को मिली है नेम फेम सारी चीज़ें, उसे हम लोग जानते हैं। इसमें टोटल जो दे रखा है 6 क्वीज है। पहला क्वीज हमारा है किसके बारे में है? पहले क्वीज में ऐसे नोबल प्राइज विनर का के बारे में दिया है जो 1958 में क्या करते हैं, प्राइज जीतते हैं और उसके बाद उन्हें फोर्स किया जाता है। किस लिए फोर्स किया जाता है? उसे त्यागने के लिए, यानी उस प्राइज को त्यागने के लिए इन्हें फोर्स किया जाता है। और किसके द्वारा? सोवियत अथॉरिटीज़ के द्वारा, यानी सोवियत के जो अधिकारी लोग थे इन्हें उस प्राइज को त्याग करने के लिए फोर्स करते हैं। ये ऐसे पहले विनर हैं। तो इनका क्या नाम है बताइए? इनका नाम है बोरिस पेस्टमार्क। जो हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला लेकिन फिर इनसे छीन लिया गया। सेकेंड क्विज में ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है जो कि 1945 और 53 के बीच इनको 21 बार नॉमिनेट किया जाता है, इनका नाम लिया जाता है किस लिए, लिटरेचर प्राइज के लिए, और 2 बार पीस प्राइज के लिए इनका नाम लिया जाता है। लेकिन इन्हें फाइनली एक ही बार प्राइज दिया जाता है। इनका क्या नाम है, उस प्राइज का क्या नाम है? इनका नाम जो है विंस्टन चर्चिल है। ये विंस्टन चर्चिल और इनका जो प्राइज है वो लिटरेचर प्राइज है। लिटरेचर के क्षेत्र में इन्होंने प्राइज पाया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड क्विज ऐसे विनर के बारे में है जिन्होंने क्या किया था, कंट्रोवर्सी अराउज कर दिया था, यानी विवाद खड़ा कर दिया था अपने युगोस्लाव प्रेसिडेंट स्लोबोडन मिलोसेविक के सपोर्ट में। ये क्या थे, ये कौन थे जो कि एक आरोपी थे? किसके आरोपी थे? वार क्राइम्स के, यानी वार के समय, युद्ध के समय होने वाले अपराधों के एक आरोपी थे। कौन था? युगोस्लाव के प्रेसिडेंट स्लोबोडन मिलोसेविक। ये क्या थे? एक आरोपी थे। और इनकी सपोर्ट में इस विनर ने क्या किया था, एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया था। और यहाँ तक कि इन्होंने अटेंड भी किया था इस प्रेसिडेंट के फ्यूनरल को, इट मीन्स उनकी अंतिम संस्कार को भी इन्होंने अटेंड किया था। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है पीटर हैंडके। अब जो है पीटर हैंडके ही युगोस्लाव के प्रेसिडेंट स्लोबोडन के सपोर्ट में कंट्रोवर्सी खड़ा कर दी थी और उनके फ्यूनरल को भी अटेंड किया था। फोर्थ क्विज हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ क्विज में बात की गई है ऐसे दो विनर की बात की गई है जिन्होंने नोबल प्राइज जीता, साथ साथ में एकेडमिक अवार्ड भी जीता। तो एक का नाम दिया है बॉब डायलन और एक का क्या नाम है? एक का नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बहुत सारी कहानियाँ हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बॉब डायलन, ये दो ऐसे विनर हैं जिन्होंने एक ही साथ में क्या नोबल प्राइज लिटरेचर के लिए जीता और साथ ही साथ एकेडमिक अवार्ड भी जीता। फिफ्थ क्विज में एक ऐसे पोएट का राइटर का बात किया गया है, एक ऐसे विनर का बात किया गया है जिनका रिएक्शन सोशल मीडिया में हाल ही में भी वायरल हुआ, प्राइज जीता है। तो उस पर उन्होंने जो रिएक्शन दिया, जो रिएक्ट किया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो देखते हैं क्या है वो रिएक्शन उनका। वो कहती हैं कि आई हैव वन ऑल द ब्लडी प्राइजेस इन यूरोप। वो बताती है कि मैंने यूरोप के सभी ब्लडी प्राइजेस को जीता है और एवरी ब्लडी वन, प्रत्येक क्या है, ब्लडी ही है। और जो है सो आई एम डिलाइटेड टू विन देम ऑल, और मैं खुश हूँ उन्हें जीत करके। इट्स अ रॉयल फ्लस ना जाने वो क्यों ऐसा कहती है, मुझे नहीं पता है। और आई थिंक कि राइटर और पोएट जो भी इनके मन में आता है वो लिख डालते हैं। अगर आपको पता हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इनका क्या नाम है जिन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है डॉसिंग लेसिंग इनका नाम है। क्विज नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे अपने देश के राइटर की बात की गई है, राइटर पोएट, ग्रेटेस्ट राइटर एंड पोएट है ये। तो देखिए इनमें जो बात की गई है, 2004 में इनके जो विनिंग थे, इनके प्राइजेस थे उसे 2004 में चुरा लिया गया और अभी तक इसका पता नहीं चला है। तो वो कौन? हमारे देश के महान लेखक एंड कवि हैं, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो प्राइज था वो 2004 में चुरा लिया गया, अभी तक उसका पता नहीं चला।
आपके सामने जो ये स्टैंप दिख रहा है और ये जो इमेज दिख रहा है जिस व्यक्ति का, इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसमें बताया गया कि ये जो व्यक्ति हैं ये 2 बार जेल जा चुके हैं, लिटरेचर प्राइज़ विनर भी हैं और 2 बार ये जेल भी जा चुके हैं। क्यों जेल गए थे? अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के नाते इन्हें जेल भेजा गया था। इनकी जो पहली एक्टिविटी थी वो अमेरिका की इंट्री का विरोध, ये थे कहाँ पे इंट्री का, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और दूसरी जो एक्टिविटी थी इनकी वो एंटी न्यूक्लियर के खिलाफ विरोध चल रहा था, उसके खिलाफ ये बोले थे। क्या नाम है इनका? नाम है, यहीं पे दिया हुआ, इनका नाम क्या है? बर्ट्रेंड रसल इनका नाम है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।